नमस्कार साथियों, ऑल इंडिया कॉपरेटिव एसोसिएशन के पेज पर आकर और मैं कुछ छात्रों से वार्तालाप करना चाहता हूं। साथियों, अभी लाइव आने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन फिर भी छात्र का जिस तरीके से फोन आ रहा था, लाइव आना पड़ा। साथियों, आज के डेट में रेलवे बोर्ड के द्वारा आंसर की दिया गया और छात्र कुछ परेशान परेशान नजर आ रहे हैं। साथियों, परेशानी है क्योंकि जिस तरीके से रेलवे ग्रुप डी में छात्रों को प्रश्न किया गया, वह प्रश्न छात्रों के लिए परेशानी का सबक है। और जिस तरीके से सरकार के द्वारा अपेंडिक्स छात्रों को प्रश्न पूछा गया, यह कतई रेलवे ग्रुप डी का प्रश्न नहीं था और जो आंसर की आया है, आंसर की में जो छात्रों का रिजल्ट देखने को मिला है और छात्रों के द्वारा जो वार्तालाप हो रही है, वो छात्रों के अनुकूल नहीं है। ऐसे स्थिति में सभी छात्र का समस्या सुनने के बाद एक निर्णय निकालना चाहिए और वह निर्णय सभी छात्र हित का हो, चाहे वह नया छात्र हो, चाहे वह पुराना छात्र हो। हर लोग का अगर एक दो महीना वक्त लग जाए तो लग जाए, लेकिन सारे छात्रों को लाभ मिले, जिसको लेकर के वह हर संभव हम लोग प्रयास करते थे और भी प्रयास करेंगे। साथियों, प्रश्न बहुत कठिन था और जिसको देखते हुए छात्र का जो आंसर किया आया वो छात्र के अनुकूल नहीं आ पाया है और उसे अपना डर सता रहा है कि अब मेरा क्या होगा। सवाल वाजिब है कि छात्रों के ऐसे स्थिति में क्या होगा। छात्र से अपील है, आप शांत रहें और रिजल्ट को लेकर के किसी तरीके का अपने आप को कोई तरह का गतिविधि पर ना डालें। आप शांतिपूर्वक रहें, सुरक्षित रहें। साथियों, हम लोग जो रिजल्ट का जो आंसर की देखने के बाद छात्रों का जो रिजल्ट आया है, जहां पर हम लोगों का डिमांड है सरकार से और रेल प्रशासन से, ग्रुप बी सीबीटी में जो प्राप्त अंक है, सीबीटी के अंदर में जो प्राप्त अंक है, उस प्राप्त अंक को लेकर और एनसीवीटी के अंदर में वन थर्ड को जोड़ करके, दोनों नंबर को जोड़ करके जो भी अंक पूर्णता है, उसमें आरआरसी का टोटल रिजर्वेशन दिया हुआ कोटा को सरकार को भरनी चाहिए। और अंतिम अंक तक अगर किसी छात्र को सीबीटी में 5 आया, 10 आया, 15 आया, 20 आया, 25 आया, जितना हायर स्कोर दिया होगा, वह अंक को हायर स्कोर से लेते हुए और सीबीटी का हायर स्कोर और अंतिम स्कोर और अप्रेंटिस का एनसीवीटी का वन थर्ड स्कोर को दोनों को जोड़ करके अगर आपका 20 नंबर पूरे, 25 नंबर पूरे, 30 पूरे, उन सभी खाली सीट रहने पर उन छात्रों को बहाल कर लिया जाए, ये हमारी मांग है और हम चाहते हैं कि ऐसे ही मांग होनी चाहिए। सरकार को अगर अप्रेंटिसों को रिजर्वेशन कोटा दिया गया तो वह पूरे रिजर्वेशन कोटा को छात्र के द्वारा भरना चाहिए। सरकार को इस पर जल्द से जल्द को विचार करना चाहिए, क्योंकि अगर रिजल्ट छात्रों के अनुकूल नहीं आएगा तो छात्र फिर विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होगा, जिसका कारण के पास सिर्फ सरकार का दायित्व उठाना है। साथियों, अभी आप देख सकते हैं आंसर की में जो लोगों का रिजल्ट आया है, जिस सवाल कठिन सवाल के साथ में आया है, ये दोनों को जोड़ करके अंतिम अंक तक
छात्र को रेलवे में जो 17 से 18 हजार अप्रेंटिस छात्र फॉर्म को फिलअप कर लिया है उसको बहाल कर लेनी चाहिए, और किसी भी जोन में सीट खाली रहने पर अंतिम अंक के छात्रों को भी बहाल कर लेनी चाहिए। और जो छात्र एग्जामिनेशन परीक्षा में नहीं बैठ पाए, किसी कारण से जा रहे थे लेकिन किसी कारण से नहीं बैठ पाए, उन छात्रों को भी एक मौका दिया गया। साथियों, और ये अंतिम सवाल है कि जो न्यूनतम अंक 30 और 40 का रखा गया है जनरल 40, ओबीसी 30, एससीएसटी 30 अंक जो न्यूनतम अंक रखा गया है उसको खत्म कर दिया जाए और अंतिम अंक तक सरकार को रेल अप्रेंटिस छात्रों को उनके कोटा के अंतर्गत किसी भी जोन में बहाल कर लिया जाए, हम अप्रेंटिस छात्रों का डिमांड है। अगर इस तरीके से सरकार अगर रिजल्ट को नहीं बनाती है तो निश्चित है कि विरोध प्रदर्शन होगा। और सरकार का एक वैकेंसी प्रक्रिया पूरा करने में जो इतना लंबा वक्त लगता है, और उसी छात्र को एग्जामिनेशन हॉल में कहा जाता है कि छांट दिया जाएगा आपका एक जाते, इसका दोषी कौन होगा? इसलिए नए नियम अभी जो बनाने की बात होगी, जो अभी अंतिम अंक तक बहाल करने की बात हम लोग मांग कर रहे हैं, वो अंतिम अंक तक बहाल करने चाहिए। कुछ लोगों का जीएम पावर की बात है, तो जीएम पावर वो आपके गलती के कारण से नहीं लेना चाहता है, वो हम लोगों का गलती के कारण नहीं, वो आप लोग जिस तरीके से किसी जोन में 200 सीट रहता था 50 अप्रेंटिस को लेता था तो वो 150 लोग जीएम पर केस कर देता था, जिसके कारण से वो लोग हाथ खड़ा कर दिया। इसीलिए जो मिला है इसी को रेगुलर अलग अलग तरीके से वैकेंसी में प्रक्रिया को पूरा करके छात्र को ले ले, इसीलिए हम लोगों के एक डिमांड के साथ रहना होगा सर। अगर अलग अलग डिमांड कीजिएगा तो फिर सबका खेल खराब हो जाएगा। इसीलिए अभी प्रयास कीजिए सभी को मिल करके अंतिम अंक तक छात्र को ले लिया जाए अप्रेंटिस के रिजर्वेशन कोटा के अंतर्गत, और जो लोग फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए इसी रिजर्वेशन के तहत जल्द से जल्द बहाली आए, यह भी हम लोगों का मांग है। साथियों, नए लड़कों के लिए भी मांग है, कोर्ट और कचहरी जो लोग जाता था, जो लोग इस तरीके का व्यवहार को अपनाया उसको क्या मिला हमको पता है, उस पर हमको टिका टिप्पणी नहीं करना चाहते साथियों। और अंतिम अंक तक एक ही सवाल के साथ में रहिए, अंतिम अंक तक सभी छात्रों को रेलवे के अंदर में किसी भी जोन में सीबीटी और एनसीबीटी का जोन करके अंतिम अंक तक बाहर कर लिया जाए। इस पर कोई सवाल है तो कहिए, क्योंकि समय कम है, आज आंसर भी आ चुका है और जल्द से जल्द इस पर हम लोगों को निर्णय करना होता है। इसी बात के साथ में सोमवार को इंटरसिटी से हम जमालपुर के कई छात्र संख्या बल में महेंद्र रेलवे बोर्ड जाएंगे, अपने डिमांड को रखेंगे, अगर आवश्यकता पड़ेगी तो आगे भी बात को लेकर के जाएंगे। लेकिन मैं अभी भी सभी छात्र से अनुरोध करूंगा, आप कोई भी गलत काम ना कीजिए, आप अस्थिर बना करके रखिए, जरूरत पड़ेगा जहां पर आपको बुलाया जाएगा आप साथ दीजिएगा। और कुछ लोगों का अभी हमको पता चला है कि तबीयत खराब हो गया है, कुछ लोगों का बहुत लोग का रोना धोना चल रहा है, आप रोने से काम नहीं चलता, आप संघर्षशील लोग हैं, आप संघर्ष में रहते हैं। और निश्चित छात्र को नौकरी चाहिए तो छात्र के द्वारा सुझाव पत्र को सरकार को स्वीकार कर कानून बनाने की आवश्यकता है, न कि एसी में बैठने वाले लोग कानून बनाएगा। जिसको रोजगार चाहिए हर संभव छात्र से राय लेकर के सरकार को कानून बनानी चाहिए, और हम छात्र का राय है कि अंतिम अंक तक छात्र को रेलवे के अंदर में अप्रेंटिस छात्रों को सीट खाली रहने पर
दोनों अंक को जोड़ करके बाहर कर दिए, चाहे वह अंक 15 ही क्यों ना हो, वह अंक 17 ही क्यों ना हो, वह अंक 50 ही क्यों ना हो, ये लड़ाई है मेरा। और 110 का बैच का जो मामला है, आप अपना मामला खुद खराब कर लेते हैं, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। ठीक है, एक मामला को पहले निपटने दीजिए, दूसरा मामला आपका भी यही तरीके से बहाल कराया जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको कोई कोर्ट जाने के लिए नहीं कहा था, जो लोग कहा उसे पूछिए कि आपका कोर्ट से क्या फैसला निकल गया। इसीलिए थोड़ा धैर्य रखिए, और निश्चित आपको हम बता देते हैं, और जिस हम पहले भी कहें कि दिसंबर के अंत तक में बहाली आएगी तो बहाली आएगी, अगर नहीं आएगी तो फिर हम लोग इस सड़क पर आपके लिए लड़ेंगे, और इसी भर्ती आसान भर्ती प्रक्रिया से ही अप्रेंटिस को बहाल होगा। यही बात के साथ में आगे भी लड़ाई जारी रहेगी, उसमें भी आपका साथ चाहिए। ठीक है, इसीलिए कोई चीज का इंतजार भी करना बहुत जरूरी है। अभी जो छात्र का समस्या है, वर्तमान में छात्र की समस्या है, इससे पहले निपटने दी, सब मामला एक बार में, लड़ाई संसार का एक बार में ही खत्म नहीं हो जाता है। आप चाहिएगा कि इन लोगों का कार्ड रुकवा करके हम नौकरी ले ले, उसका हम चाहेंगे उसका रुकवा करके नौकरी ले, ऐसे काम नहीं चलता है। थोड़ा सा सिस्टम के साथ थोड़ा इंतजार भी करना पड़ता है, लड़ाई पर भरोसा रखनी चाहिए साथियों, और निश्चित आप वेट कीजिए, अभी कुछ लड़ाई बाकी है, और नहीं होता है तो अंतिम क्षण में क्या करना है वो सब लोगों को डिसाइड करना होगा। ठीक है, इसीलिए वेटेज का जो मामला है, वेटेज दी जाएगी, कैसे दी जाएगी उसका भी अभी रेलवे बोर्ड, अभी मौखिक रूप से पता चला है, हम लोगों को पता था कि दोनों को जोड़ के दिया जाएगा, लेकिन मेरा कहना है दोनों को जोड़ के दीजिए तो अंतिम अंक तक, मेरा रिजर्वेशन सीट को अंतिम अंक तक भरिए, यही लड़ाई है, इससे ज्यादा अभी मेरे बीच में कोई लड़ाई नहीं है। और अगर ये कानून पास हो जाती है, इस तरीके का रूल रेगुलेशन बनाएंगे, तो नया लड़का हो, पुराना लड़का हो, भविष्य में नया लड़का हो, तो सबको लाभ मिलेगा, लेकिन सब आपस में अगर लड़ करके कोई लाभ लेना चाहिएगा तो ना आपको मिलेगा, ना उनको मिलेगा, ना किसी को मिलेगा। इसी तरीके से कोर्ट कचहरी आप दौड़ते रह जाइएगा, इसीलिए शांतिपूर्वक रहिए। इतना दिन में एक दो और महीना लग जाए तो उसके लिए थोड़ा वेट कर लेनी चाहिए। इसीलिए साथियों, अभी वर्तमान में जो छात्र की समस्या है, जो आज आंसर किया आया है, इस पर पूरा नजर बना करके इस पर बात करने की आवश्यकता है। अगर ये जो प्रक्रिया भर्ती प्रक्रिया आसान होगा, निश्चित आने वाला दिन में छात्र का भी आसान होगा। अगर यही भर्ती प्रक्रिया अगर बहुत दर्द पीड़ाजनक कर दिया जाएगा तो फिर आपका भी भविष्य में वही होगा जो आज हो जाएगा। इसीलिए आवश्यकता है इसी कानून को सही तरीके से किसी तरीके से सभी लोगों को ले ले, ये कानून को बनाने की आवश्यकता है। इसलिए छात्र अभी हमको बहुत कॉल कर रहा है, हम कॉल से भी थोड़ा परेशान है, और अभी थोड़ा सा सोमवार तक आप लोग रुकिए, हम लोग सोमवार को कुछ करने वाले हैं, कुछ करने जा रहे हैं, उसको अंतिम तक देखते हैं वो सरकार और रेल प्रशासन क्या कहती है, तो आगे धन्यवाद करना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद। इसी बात के साथ में अपना वक्तव्य को विराम देते हैं, धन्यवाद।